जब मेरे टीचर ने मुझे कहा कि प्रिंटिंग का तो पॉसिबल ही नहीं है जो काम के लिए इतने बड़े बड़े मशीन बने हुए उसे एक समय में हाथों से किया जाता था लिटरली मैं नहीं मानता यार बट बट जब मैं एक बार छुट्टे खाते हुए पकड़ा गया अपने बाप के सामने तो चाटा ना मुझे बाप का भाई उसने समझा दिया कि हाँ एक समय था जब हाथों से प्रिंट किया जाता था अब बाप के के हाथ से इतना अच्छा प्रैक्टिकल पाने के बाद मुझे मैम का बताया एक एक बात समझ आने लग गया अब समय है कि तुम भी समझो हाँ मैं तुम्हें इतना अच्छा प्रैक्टिकल तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं हो वरना देख दे ही देता बट कोई बात नहीं यार कुछ और तरीके से देखेंगे हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड अब प्रिंटिंग यानी कि जो लेटर्स को एक समय में हम हाथ से लिखा करते थे उन्हीं को जब हमने पेपर में डायरेक्ट छापना शुरू कर दिया दैट्स कॉल्ड द प्रिंटिंग राइट अब प्रिंटिंग का शुरुआत हुआ था चाइना से फिर वो फैलता है जापान एंड कोरिया पे फिर वो जाता है यूरोप एंड देन आता है इंडिया में भी अब I इन mean, चीज़ों को हम देखेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा बट यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि जो शुरुआती दौर पे जो किताबें चाइना के अंदर में प्रिंट हुआ करता था उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता था ज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइट हमारे सीबीसी वाले कई बार क्वेश्चन पूछा है मैं तुम्हें तो बता दो इस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉक पेंटिंग देखो क्या था लिए? के पहले कार्विंग करके जो चाइनीज सेल्फावेट होता है छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस पे काट के एक बॉक्स के अंदर में अरेन्ज करके उनके ऊपर लगाया जाता था इंक एंड देख कागज का टुकड़ा होगा उनका एक साइड को जिस साइड में इंक लगा हुआ उस साइड में चिपकाने के बाद हल्का सा रब किया जाता है जिससे होता क्या है कि जो लेटर्स को तुमने अरेंज किया है वो एग्जैक्टली exactly वैसे ही उस पेपर के अंदर में छप जाएगा यानी कि प्रिंट हो जाएगा दैट्स हाउ वुडन ब्लॉक प्रिंट वर्क काफी आसान था राइट मैं चाहूंगा कि तुम मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जोड़ रहे हो चेकआउट करना जिससे कि तुम ये जो वीडियो है उसे अच्छे तरीके से देख पाओ यहाँ यार थोड़ा कॉपी राइट तो रहता है तो समझ रहे हो तुम चेकआउट जरूर करना मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को हम बरते तुम एग्जाम में लिखोगे कैसे इसके बारे में मैंने बता तो दिया तुम्हें देखो पहला चीज़ ये एक शुरुआती प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है जो कि चाइना जापान एंड कोरिया में डेवलप्ड होता है एंड देन ये फुल्ली हाथ से प्रिंटेड टेक्नोलॉजी था और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ये टेक्नोलॉजी का शुरुआत होता है चाइना से इन 1594 एडी फोर जहाँ होता क्या था कि जो चाइनीज बुक से वो छपता कैसे था मैंने तुम्हें बताया कि कागज़ का टुकड़ा होता है और एक वुड ब्लॉक प्रिंट होता है जहाँ में अलग अलग लेटर्स होता है उसके ऊपर इससे कागज को घिसोगे जिसके बाद ये प्रिंट हो उस कागज के टुकड़े पे आ जाएगा दैट्स हाउ इट्स वर्क यहाँ खास बात ये है कि एक साइड जो होता है पेपर का वही प्रिंट हो पाता है क्योंकि उस समय पेपर क्वालिटी बहुत ही कमज़ोर था समझी जाओ मैं सिक्स सेंचुरी बी सी का बात कर रहा हूं बहुत पहले तो पेपर क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होने के कारण बस एक ही साइड छपता था ना आखिरी चीज जो शुरुआती चाइनीज बुक्स जो इस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता था ना उसे कहते हैं बुक वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना मैं कल इधर लिख लूँ कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए <laughs> अब तुमने ये जान लिया कि लगभग सिक्स सेंचुरी पे चाइना के अंदर में एक टेक्नोलॉजी डेवलप होता है जिसे कहते हैं वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी जिससे प्रिंटिंग का शुरुआत होता है अब सिक्स सेंचुरी से सिक्सटींथ सेंचुरी में आते आते ना ये जो प्रिंटिंग का डिमांड है ना ये बहुत बढ़ जाता है इसके ऊपर 2019 एंड 2016 में भी सीबीएसई के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था एशियन कंट्री हैज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटिंग मेटीरियल इन सेंचुरी या फिर वाई द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट इनक्रीज इन चाइना फ्रॉम टू सिक्सटींथ सेंचुरी वेरी इंपॉर्टेंट शुरुआत होने के बाद से जो सिक्सटींथ सेंचुरी है ना वहां तक जो प्रिंटिंग का वॉल्यूम है ना वो भर गया था यानी कि जो लोग अब प्रिंटिंग मटेरियल्स का डिमांड कर रहे थे ऐसा क्यों अभी चाइना एक ऐसा कंट्री है ना जिसे तुम आज का चाइना ले लो याथ सेंचुरी पहले का जो चाइना था उसे ले लो दोनों में दो चीज कॉमन दिखता है एक तो दोनों ही टाइम पीरियड में डेमोक्रेसी का तुम्हें नामो निशान नहीं मिलेगा बट बट वहाँ का जो सिस्टम है ना कंट्री को चलाने का वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है अगर तुमने ट्रेडिशनल चाइनीज मूवीज़ देखा है तो तुम देख पाओगे कि वहाँ में जनरल्स मिनिस्टर्स अलग अलग होते हैं अब इन लोगों को कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट जिसका जो रिक्रूटमेंट होता था ना वो होता था एक सिविल सर्विस एग्जाम से लाइक यू हमारे यहाँ कंडक्ट करवाया जाता है आज के समय ऐसा ही कुछ सो so, अब इस एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए चाहिए थे किताबें जिसकी वजह से अब टेक्सट बुक का जो डिमांड है ना चाइना में बढ़ गया और इस डिमांड को फुलफिल किया गया जो इंपोरियल स्टेट है ना चाइना का उन्होंने स्पॉन्सर किया कि जितना भी खर्चा होगा हम करेंगे जाओ जितना प्रिंट हो सकता है करो इसी बहाने धरले से प्रिंट होता है टेक्स्ट बुक और जो डिमांड है टेक्स बुक का या फिर जो प्रिंटिंग मटेरियल्स का वो पढ़ता है वेरी सिंपल अभी देखो चाइना के अंदर में सिक्सथ सेंचुरी से लेकर सिक्सटींथ सेंचुरी में जितने भी प्रिंट मटेरियल्स बने थे ना वो तुम कह लो गवर्नमेंट लेवल पे बना था ठीक है आम लोगों के लिए प्रिंटिंग अवेलेबल नहीं था बट सेवेंटींथ सेंचुरी पे चाइना में शुरू होता है अर्बन कल्चर का शुरू हुआ अब यहाँ में आम लोगों ने भी प्रिंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिससे अब प्रिंट का जो है डाइवर्सिफिकेशन होता है मतलब अब अलग अलग लोग इस्तेमाल करेंगे प्रिंट को अलग अलग, 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 अलग चीज़ों के लिए लाइक जो मर्चेंट थे ना वो अपना जो भी ट्रेड इन्फॉर्मेशन थे उन्हें प्रिंट करवा के रखते थे ठीक है सेकेंड जो अमीर रिच वमस थे वो पढ़ते थे और लिखते थे पोइट्रीज एंड प्लेस ठीक है फिर चाइना के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे स्कॉलर्स टाइप के उनके जो वाइफ है ना वो लोग भी अपना किताब जो भी होता था काम करते थे पब्लिश करते थे विद द हेल्प ऑफ प्रिंट और कोटिजेंस आई नो तुम्हें पता ही होगा कोटिजेंस का मतलब तो कोठा लोग सेक्स आई गेस तुम समझ गए सो so, वो भी अपने बारे में लिखते थे कि कैसे उनका लाइफ इतना मतलब बदतर से भी बदतर हुआ विद द हेल्प ऑफ प्रिंट राइट अब बहुत हुआ यार चाइना का चैप्टर करते हैं क्लोज सीधा चलते हैं जापान

यानी कि जो जापान का कैपिटल है ना उसे पहले समय में इडो कहते थे आज के समय में तो टोक्यो कहते हैं यहाँ में जो अर्बन कल्चर है ना उसे इलास्ट्रेट करना शुरू कर दिया यानी कि तुम कह लो उनका फ़ोटोज़ बनाना शुरू किया आगे में थोड़ा रुक जाओ आगे मैं बताऊँगा ये कैसे है नहीं है आखिरी पॉइंट कंप्लीट कर लेता हूँ ये इमेजेस तो चल ही रहा था साइड बाई साइड जो लाइब्रेरीज और जो बुक स्टोर Uh, कई सारे जापान के अंदर में खुला जहाँ में अलग अलग किताबें प्रिंट होना शुरू हुआ जैसे कि वेमेंस को लेके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुकिंग फेमस प्लेसेस इन सब के ऊपर किताबें प्रिंट होना शुरू हुआ जापान के अंदर में ठीक है ये तो मोटा मोटा था जो तुम पॉइंट जापान के अंदर में बताओगे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जापान के अंदर में एक प्रिंटिंग का नया फॉर्म आता है जिसे कहते हैं वर्चुअल वर्चुअल मटेरियल्स, प्रिंटिंग कह लो जहां हम कहता को प्रिंट करते हैं और स्पेशली हम जो इडो यानी कि जो टोक्यो था वहां हमने देखा कि जो अर्बन कल्चर जो है उसे किस तरीके से पेंट करता है नहीं करता ठीक है ठीके? अब ये चीज जो है कहाँ से इंस्पायर्ड होता बता है बताए एक आर्टिस्ट है जापान का जिसका नाम है किटागावा इसने एक आर्ट फॉर्म डेवलप किया जिसे कहते हैं उकियो अब क्या है जो तुम आज का एनिमे वर्ल्ड देखते हो ना ये सब इनसे ये रेफरेंस इंस्पायर्ड होके बनाया हुआ है तुम ये फोटो को देखो यहाँ में तुम्हें लोग दिख रहे हैं क्या कर रहे हैं लोग तुम आसानी से फोटो देख के बता सकते हो ना लोग क्या कर रहे नहीं कर रहे कुछ लोग स्कूल ड्रेस में स्कूल जा रहे होंगे मोस्ट प्रोबली कुछ लोग मार्केटिंग करने आए हैं कुछ लोग मार्केटिंग करके घर जा रहे हैं मतलब ह्यूमन एक्सपीरियंसिस को दिखाया जा रहा है तो ओकीो क्या है एक फ्लोटिंग वर्ल्ड का एग्जाम्पल है जहां तुम रियल वर्ल्ड को एक इमेज फॉर्म में दिखा रहे हो दैट्स कॉल्ड ओकीो आई गेस अच्छा एनमे से याद आया रिसेंटली मैंने ढोरो देखा और इसने मुझे इतना अच्छा लेसन दिया ना भाई लिटरली मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूँ इस समय जब मुझे कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था सही में ना वीडियो बनाने का दिल कर रहा था ना आगे कुछ कुछ भी नहीं करने दिल कर रहा था मतलब तो तुम जस्ट इमेजिन मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जिसका सिल्वर प्ले बटन आ चुका है बट खोलने का दिल नहीं करता यार कोई सपोर्ट ही नहीं करता आई I मीन mean, तुम लोग को मैंने कह रहा तुम लोग तो हमेशा से मुझे सपोर्ट करते हो बट मेरे पेरेंट्स का बात कर रहा हूँ मैं लिटरली उनके लिए तो मैं बस जो भी कर रहा हूं ना इस समय की बर्बादी है मुझे या तो यूपीएससी क्लियर करके आई बनना चाहिए या फिर पीएचडी कंप्लीट करके एक स्कॉलर बनना चाहिए उन्हें मेरे पैशन को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता लिटरली बट इस एनी ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा साथ कोई नहीं दे रहा होगा तुम तो अकेले होगे ना दोस्त ना फैमिली ना पेरेंट्स कोई नहीं यार फिर भी तुम्हें आगे लड़ते रहना है आगे बढ़ते रहना है बिकॉज दिस इज हाउ लाइफ वर्क सो मैं तुम्हें ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी अगर तुम भी लो फील करते हो डीमोटिवेट फील करते हो लगा कि तुम अकेले हो तुम्हारे लिए कोई साथ नहीं कर रहा है तो एक बार डरूर जरूर देखना खैर यार अब हम चलते हैं कि कैसे प्रिंट केम टू यूरोप यूरोप में कैसे पहुंचा प्रिंट अब प्रिंट को दूर रखते हैं पेपर जो था ना वो भी चाइना में ही बन के आया था और सिल्क रूट की मदद से पेपर चाइना से यूरोप पे ट्रैवल करता है और जिससे कि मैनू यूरोप के अंदर में बहुत ही फेमस हुआ अब इसके बाद आता है समय ट्वेल्व जिस समय मार्को पोलो द ग्रेट एक्सप्लोर अब देखो ये ग्रेट ना ये मैंने खुद से ऐड किया है मतलब तुम अगर मुझे पूछो ना कि मेरे लाइफ में दो कौन इंसान है जो मुझे हर रोज़ जीने के लिए मोटिवेट करता है हर रोज़ इंस्पायर करता है मुझे तो मार्को पोलो और लियोनार्डो द विंची ये दो वो महान इंसान है जिन्होंने अपने दम पे लगभग आधा दुनिया घुमाए और एक दिन मैं भी घूमना चाहता हूँ खैर यार मैं ये बता रहा था कि जो मार्को पोलो दुनिया घूमते 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 आखिर में जाता है वो चाइना में और वहां जाके वो जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो अपने होम कंट्री इटली में लेके आता है जिसके बाद इटली के जितने लोग थे उन्होंने धरले से बुक्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये जो बुक प्रिंटिंग का सिस्टम है वो पूरे यूरोप में फैला सो दैट्स हाउ जो प्रिंट यूरोप में आया बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना किसने लाया कब लाया और कैसे लाया तो उससे मेरा क्या फायदा अब एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है कब का है बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है इंपॉर्टेंट है देख लो वाई मेन्यू स्क्रिप्टर नॉट वाइडली यूज इन एवरीडे रीजन स्क्रिप्ट को हम एवरी डे लाइफ में क्यों इस्तेमाल नहीं कर सक रहे देखो पहला तो मेन्यूस्क्रिप्ट को लिखना बहुत ही एक्सपेंसिव है ठीक है हाथ से बनाया जाता है एक सेपरेट आदमी चाहिए तुम्हें जो भी लिखना है उसके लिए जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव है ठीक है सेकंड तुम कह सकते हो कि एक टाइम कंज्यूमिंग भी है बहुत समय भी लगता है मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखने में और तीसरा चीज ये था कि मेन्यूस्क्रिप्ट को तुम इधर उधर लेके जा नहीं सकते और पढ़ना तो थोड़ा मुश्किल ही काम है भाई अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स होता है जिसे समझना मुश्किल होता है तो इन सब का सोल्यूशन के तौर पर आया कौन गैस प्रिंट राइट तो प्रिंट आने के बाद यानी कि जो वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी है यूरोप में आने के बाद प्रिंटेड बुक्स का डिमांड बहुत बढ़ता है इतना बढ़ता है कि अब वुड ब्लॉक प्रिंट भी स्लो पड़ रहा था कि भाई और भी तेजी लाओ प्रोडक्शन करने में

आगे तुम देखोगे कि कैसे प्रिंटिंग रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है अब ये जो रेवोल्यूशन है ये जो हाथ से बनाया हुआ प्रिंटेड टेक्नोलॉजी था उससे पॉसिबल नहीं था वो काफी धीमा था बट अब जो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाया था ना जोहान गुटनबर्ग ने इससे वो चीज पॉसिबल हो पाया अब थोड़ा देख लेते दे कि ये किस तरीके से बनाया ये जो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस जोहान गुटनबर्ग ने इसके ऊपर भी प्रविशियर एक क्वेश्चन है हाउ डिड गुटनबर्ग गेट द आइडिया ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड विच वॉज द फर्स्ट प्रिंटिंग बुक बहुत इंपॉर्टेंट देखा तुमने कि प्रिंटिंग प्रेस का आइडिया उन्हें कहाँ से आया और पहला बुक का नाम क्या था तो देखते हैं अभी हमारे जोहान गोडनबर्ग साहब जिनका नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड है सही में इनका जो जन्म हुआ था ना वो एक बहुत ही रिच मर्चेंट के फैमिली में हुआ था अब उनका बचपन कुछ ऐसे बीता था कि बचपन से ही उन्होंने देखा कि कैसे वाइन बनता है वाइन प्रेस से और एक ऑलिव प्रेस होता है जिससे खास तरह का ऑयल बनता है जिसे कहता है ऑलिव ऑयल सो ऑलिव प्रेस एंड वाइन प्रेस ये दोनों चीज़ों को उन्होंने खास देगा अपने बचपन से ही और फिर जब वो बड़ा हुआ ना तो वो जो स्टोन्स को कैसे पॉलिश करते ये जाना और फिर और फिर वो बन गए सुनहार यानी कि गोल स्मिथ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो कैसे गोल स्मित बने बट इंपॉर्टेंट यहाँ में एक चीज़ है जो कि तुम्हें ध्यान देना है जब वो गोल स्मिथ बने ना उन्होंने एक खास फॉर्म ऑफ आर्ट को सीखा जिसे कहते हैं मोल्ड बनाना सीखा अब मोल्ड बनाने को मुंह बनाने से कन्फ्यूज मत कर लेना मुंह बनाने का काम छपरी लोगों पे छोड़ दो तो मोल्ड बनाना सीखा गोटनबर्ग साहब ने अब अब ये क्या है देखो स्पेशली तुम लड़कियाँ तुम तो काफी ज्वेलरीज पहनते हो आई गेस या फिर अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारे मम्मी का तो होगा ना ज्वेलरीज तो वहां में खास तरीके का पैटर्न बनता है राइट जो कि तुम तो इस फोटो में भी देख पा रहे हो अब ये पैटर्न को बनाया जाता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से जो कि ये है और इसी को कहते हैं मोल्ड्स यहाँ में पैटर्न बना हुआ है सोना या चांदी जो भी ये पिघला के साथ डालो और एग्जैक्ट पैटर्न तुम्हारे उस जो भी तुमने बनाया है उस पर आ जाएगा ठीक है तो ये मोल्ड बनाना सीखा जोहान गोडनबर्ग ने जब वो गोलस्मित बनता है तब अब देखो आगे क्या होता है ये जो ऑलिप प्रेस का जो मॉडल है ना इससे इंस्पायर्ड होके जोहान गोडनबर्ग ने बनाया प्रिंटिंग प्रेस और जब वो गोलस्मित थे तो उन्होंने सीखा था कि कैसे मोल्ड बनाया जाता है जिससे कि हम चीजों को पैटर्न दे सकते हैं राइट स्पेशली ज्वेलरीज सो इसी चीज का इस्तेमाल किया उन्होंने लेटर्स को पैटर्न देने में उन्होंने ऐसा मोल्ड बनाया जहां में अल्फाबेट लेटर्स को आसानी से रखा जाए ठीक है

सो so, यही था कहानी गोडन साहब का बाकी भाई साहब ने बहुत अच्छा काम किया कि ऑलिप प्रेस का इस्तेमाल करके ए, प्रिंटिंग प्रेस बनाया बाकी अगर मैं होता ना तो वाइन प्रेस से मैं सस्ता और टिकाऊ देसी पौवा बनाता क्योंकि भाई साहब क्योंकि भाई साहब देखो न्यू ईयर आने वाला है मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है और न्यू ईयर में ना वाइन के नाम पर बस प्रसादी जैसा मिलता है थोड़ा सा हमें और बहुत महंगा होता है पता है तुम्हें तो अगर मैं गुटनबर्ग साहब की जगह में होता ना तो मैं एक सस्ता सा पौवा बनाता जो कि बिल्कुल वाइन जैसा टेस्ट कर रहा होता वाइन प्रेस की मदद से वो तो गुटनबर्ग साहब थे जिन्होंने प्रेस से ऑलिपरेशन लिया मैं होता तो वाइन प्रेस से इंस्परेशन लेता और हजारों लाखों गरीबों का मदद कर पाता बहुत बढ़िया अब ये जो नया मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस था ये मार्केट पे आता है और एक नया प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का शुरुआत होता है बट ऐसा नहीं था कि जैसे ही आया और प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का शुरुआत हो गया या लोग अब प्रिंटेड बुक्स का डिमांड करने लगे ऐसा नहीं था जो एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ आर्ट था ना वो भी साइड बाय साइड चल रहा था लाइक like, कुछ पॉइंट है देखो पहला जो प्रिंटेड बुक था ना वो हु जो भी पहले बने हुए मेनूस्क्रिप्ट थे ना उनके जैसा ही दिख रहा था तो जो अमीर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ना वो प्रेफर कर रहे थे मेनोस्क्रिप्ट को ही क्योंकि उस समय मानना यह था कि जो ये प्रिंटेड बुक है वो सस्ते हैं भाई ये तो गरीबों का इस्तेमाल करने वाला चीज़ है तो वो को ही प्रेफर कर रहे थे ऊपर से जो ये प्रिंटेड बुक थे ना उनका जो लेटर है उन्हें भी इलास्ट्रेट करने में हाथ का इस्तेमाल किया जाता था और तीसरा जो भी बुक अमीरों के लिए प्रिंट किया जाता था उनके लिए अलग से स्पेस रखा जाता था जहाँ वो कुछ भी चाहे वो हाथ से डेकोरेट कर पाए तो तुम ये तीन रीज़न बता सकते हो जिसके वजह से एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ आर्ट को ख़त्म नहीं कर दिया साथ, -साथ न्यू मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी ने बाकी जब भी मैं सुनता हूँ ना कोई नया टेक्नोलॉजी अब तो मुझे बस एक ही इंसान का नाम याद आता है ऐसी मशीन लगाऊंगा इस साइड से आलू घुसेगा उस साइड से सोना निकलेगा इस साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकालो इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का अब बढ़ते अगले टॉपिक प्रिंटिंग रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट देखो प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का शुरुआत तब होता है जब हमने जो ये ओल्ड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस पे शिफ्ट करते हैं ना उस पॉइंट से शुरुआत होता है प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का अब लोगों का लाइफ आसान होने लगेगा क्योंकि अब जो प्रोडक्शन है ना किताबों का वो लार्ज स्केल पे होगा पहले जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था ना वहाँ में हम प्रिंट तो करते थे बट वो बहुत ही धीमा था हाथ से होता था तुम्हें पता है बट अब मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस है मशीन का इस्तेमाल होगा तो थोड़ा काम जल्दी होगा अब प्रिंटिंग रेवोल्यूशन में ना सही में लोगों का लाइफ बदल दिया था अब कैसे बदला था इसके लिए तो मैं तीन इम्पैक्ट जो प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का हुआ उसे जानना पड़ेगा पहला न्यू रीडिंग पब्लिक देखो पहले समय में जो ये रीडिंग का नशा था ना बस अमीरों तक ही था आम लोग ना ओरल कल्चर के पार्ट थे यानी कि मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो मुंह से ही कहा जाएगा सुना जाएगा ठीक है दैट्स हाउ थिंग्स वर फॉर कॉमन पीपल क्योंकि उस समय मैनू स्क्रिप्ट का जमाना था तो मैनोस्क्रिप्ट महंगा होता है तो वो सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे बट प्रिंटिंग प्रेस के मदद से अब कोई भी चीज़ जो है मल्टीपल कॉपीज़ बनाया जा सकता था और सस्ते में बनाया जा सकता था जिसके वजह से अब किताब आम लोगों तक पहुंचता है सस्ते दामों पे जिससे ये होता क्या यूरोप के अंदर में जो पब्लिक पहले हेयरिंग पब्लिक था यानी कि जो इन्फॉर्मेशन को सुन के ही गैदर करता था उसने अब पढ़ना शुरू कर दिया था यानी कि अब एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है हेयरिंग पब्लिक से रीडिंग पब्लिक की ओर बट ये जो सफर था ना ये इतना आसान नहीं था क्योंकि यूरोप के अंदर में लिटरेसी रेट उस समय इतना ज़्यादा नहीं था लोग जो इन्फॉर्मेशन है वो सुन के ही अपने पास रखते थे क्योंकि उन्हें पढ़ना आता नहीं था तो यहाँ पे अब ना जो प्रिंटर है जो किताबें छापते थे ना उन्होंने एक नया तरकीब का इस्तेमाल किया जो भी पॉपुलर बैलेड एंड फोक टेल्स देखो बैलेड यानी कि एक तरीके से गाना कह सकते हो तो तुमने जो पिकी ब्लाइंडर्स में भी देखा होगा जो मेन जो उनका थीम वाला सॉन्ग है जहाँ क्या होता है गाना का मदद से तुम किसी के बारे में कुछ बता रहे हो तो बैलेड और फोक टेल्स यानी कि जो कहानियां है उनका मदद से जो प्रिंटिंग को आम लोगों तक तो पहुँचाया तुम पूछोगे कैसे देखो किसी को पढ़ने नहीं आता ओके इट्स ओके okay. तुम्हें पढ़ने नहीं आता ना बट तुम्हें कोई अगर पढ़ के सुनाए तब तो तुम सुन सकते हो ना तो जो कहानियाँ है जो फोक टेल्स है जो बैलेट्स है उन्हें एक थर्ड पर्सन पढ़ के सुनाना शुरू कर दिया जिससे कि प्रिंट कल्चर जो है धीरे धीरे फैलता है और जो आदत है ना एक प्रिंटेड बुक्स का उसे आम पब्लिक तक तो पहुँचाना शुरू कर दिया ठीक है यार अब जानते हैं कि प्रिंट रेवोल्यूशन के कारण यूरोपियन सोसाइटी में दूसरा बदलाव क्या आया प्रोटेस्टेंट नाम सुना है तुमने आई गेस जैसे प्रिंट कल्चर यूरोप के अंदर फैल रहा था आम लोगों के हाथ में किताबें पहुंच रहा था वो जो पढ़ रहे थे वो समझ रहे थे वो थिंकिंग एबिलिटी डेवलप कर रहे थे क्या सही है और क्या गलत है इस बीच में फर्क खुद तय कर पा रहे थे ना कि अब कोई दूसरा उन्हें बता रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है तो फिफ्टीन को एक रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर ने जो, है, especially जो चर्च है, उनका जो काम करने का तरीका है ना इसके ऊपर आम लोगों के लाइफ पे हर जगह इंटरफेरेंस जो चर्च वाले बोलेंगे वही तुम्हें मानना पड़ेगा बट बट हमारे मार्टिन लूथर साहब थे पढ़े लिखे आदमी इन्होंने समझा कि जो भी हो रहा है ना रिलीजियस प्रैक्टिस ये गलत हो रहा है धर्म के नाम पे बकचोदी करा जा रहा है तो रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज़ करने के लिए उन्होंने लिखा नाइन्टी फाइव थीसिस अब ये नाइन्टी फाइव थीसिस और कुछ नहीं जो चीज़ें गलत हो रहा था सोसाइटी के अंदर में जो रिलीजन के नाम पर ये कैथोलिक चर्च वाले अनाप शनाप कह रहे थे ना मतलब तुम कह सकते हो इस नाइन्टी फाइव थीसिस के अंदर में सोसाइटी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए गलत और सही का एक तरीके से आईना दिखाया गया तो उस समय जर्मनी में एक बहुत ही बड़ा चर्च था विडनबर्ग ये एक कैथोलिक चर्च था इसका जो दरवाजा है ना मेन जो डोर था चर्च का वहाँ में नाइन्टी फाइव को चिपका दिया गया और ओपन चैलेंज दिया चर्च वालों को कि आके आप मेरे आइडियाज के साथ डिबेट करो आज हो ही जाए फैसला कि कौन गलत है और कौन सही है भाई साहब का कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम मतलब भाई साहब उस समय में जब चर्च का डोमिनेंट पीक लेवल पे था मतलब कोई चर्च के खिलाफ आंख उठा के नहीं देख सकता था इस बंदे ने पूरा एक रेवोल्यूशन शुरू कर दिया और जो ये 95 फाइव थीसीस है इन्हें प्रिंट करके आम लोगों तक पहुंचाया गया और जब उन्होंने पढ़ा जब उन्होंने समझा ये चीज़ें तब उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया मारथिन लूठर का और इसी से एक रेवोल्यूशन का स्टार्ट होता है एक रिफॉर्मेशन का स्टार्ट होता है क्रिश्चियनिटी के अंदर में जिसे हम जानते हैं प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन के नाम से सो आई गेस अब तो मैं क्लियर हो गया होगा कि क्या है प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन क्रिस्चनिटी के अंदर में जो चर्चेस था उसके अंदर में जो डिवीजन होता है पहला कैथलिक था फिर उसे प्रोटेस्ट करके एक नया आइडियोलॉजी हुआ जो कि बेस्ड था 95 फाइव थीसिस पे जिसका जो मेन फाउंडर था तुम कह सकते हो मार्टिन लूथर इनका ही जो फॉलोअर्स है उन्होंने फिर प्रोटेस्टेंट चर्च का एस्टेबलिशमेंट किया आ, इस चैप्टर का मुझे कुछ याद रहा है या ना रहे बट इस बंदे का नाम इतना से है भाई मैं जिंदगी में ना बोलूँ मतलब जब से पढ़ रहा हूँ ना इसका ही नाम ले रहा हूँ मैं मार्टिन लूथर मार्टिन लूथर मतलब भाई सब कैसे हो सकता है इतना सेक्सी किसी का नाम मैंने तो भाई पक्का कर लिया है कि मेरे बच्चे का नाम मैं मार्टिन लूथरी रखूंगा वो तो भैया हो नहीं पाएगा बट क्यों <laughs> क्योंकि तुम तो सिंगल ही मरोगे हाहाहा <laughs> बेकार <laughs> है भैया मैं तो टूट गया कहते हैं अगर तुम्हारे पास कोई जानकारी आधा हो तो रहे ना तो वो जानकारी तुम्हें बस एक ही चीज बना सकता है इस दुनिया में मेरे कल रात को भाई बगड़ी काट गई मेरे को लगा सुबह तक स्पाइडरमैन बन जाऊंगा मैं में में चूतिया बन गया <laughs> और आज जैसे ही एक चूतिए के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मिनोको बट पहले क्वेश्चन देख लो राइट ब्रीफली व्हाई सम पीपल्स फेयर दैट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कुड लीड टू द ग्रोथ ऑफ डिसेंटिंग आइडियाज इसका मतलब ये है कि प्रिंट के डेवलपमेंट के कारण कुछ डिसेंटिंग आइडियाज बनने लगे ग्रो होने लगे डिसेंटिंग आइडियाज यानी कि उस समय के जो रिलीजियस वैल्यू थे सिंपली कहो तो जो रिलीजन को लेकर लोगों का मानना था नहीं मानना था उसके खिलाफ अगर कोई बात कर रहा था ना दैट डिसेंटिंग या डिसेंट डिसेंट कह कह सकते हो विरोध में कुछ कह देना दैट्स ठीक है अब देखो प्रिंट और जो पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर्स थे किताबें थे उन्होंने मजबूर के आम लोगों को सोचने में अलग तरीके से इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ यानी कि लोग इंडिविजुअल लेवल पे धर्म को फेथ को अपने हिसाब से सोच रहे थे किसी के लिए कुछ और मानना होगा किसी के लिए कुछ और मानना होगा अब जैसे कोई होगा तुम में से जो बहुत ही रिलीजियस होगा फिर कोई तुम में से होगा जो धर्म को इतना सीरियसली नहीं लेते हो लाइक अलग अलग सोच है रिलीजन को लेकर हम में से सबका और देखो ये बात कोई गलत नहीं है हमारा सोच अलग हो सकता है हम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं बट प्रॉब्लम यह में तब आता है जब तुम्हारे पास आधा अधूरा जानकारी हो और तुम बस उसी जानकारी के साथ मतलब भाई साहब अपना ही आर्गूमेंट रख दो अपना ही ओपिनियन रख दो ये गलत है ना भाई तो यहाँ पे यही होता है देखो हमारे जो मीनू को भाई साहब थे ना वो इटली के एक मिलर था यानी मिल मिल में में काम करने वाला या फिर मिल का मालिक होगा कुछ इसने अपने में जो किताबें थे ना उन्हें पढ़ा और पढ़ के बाइबल का अपना ही इंटरप्रिटेशन निकाल दिया मतलब जो काम एक स्कॉलर एक रिलीजियस टीचर का होना चाहिए वो काम ये बंदा करता है वो भी अपने आस के दुकानों से किताब खरीद के पढ़ के अपना आपको महाज्ञानी समझने लगता है भाई साहब तो अब होना क्या था भाई के साथ बगचौदी तो कर दिया था भाई ने देखो ये चीज जो उस समय के कैथोलिक चर्च थे ना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया तो उन्होंने इन्हें पहले दो बार इंक्वेषन के लिए बुलाया अब इंक्वेजन मोटा वर्ड लग रहा क्या ही है क्या है ये देखो लाइक देखो आज के समय में क्या है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है जहां तुम कोई गलती करते हो तो तुम्हें वहां सजा देता है तो उस समय में जो कैथोलिक चर्च था ना उनका अलग से एक सेपरेट कोर्ट था जहां अगर तुम रिलीजन को लेके कुछ अनाप शनाप बकते हो ना बगचौदी करते हो ना तो हाँ तुम्हें लेके जाया जाएगा और तुम्हें क्या पनिशमेंट देना है नहीं देना है वो डिसाइड किया जाएगा तो दो बार गया इंक्वेशन के लिए हमारे मुनको साहब फिर आखिर में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया यानी कि उनका काम तमाम कर दिया गया और इसके बाद ये जो इवेंट होता है ना इसके बाद जो कैथोलिक चर्च था वो रिलीजन को लेके और ज़्यादा फेयरफुल हो जाता है डर जाता है कि और कोई बकचोदी ऐसा ना करने लगे तो उन्होंने एक लिस्ट जारी किया मतलब इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स पब्लिश हुआ यानी कि कुछ लिस्ट ऑफ बुक्स होगा जो बैंड है इनका ना ही प्रिंटिंग होगा ना पब्लिकेशन होगा ना ही आम लोगों तक ये पहुंचना चाहिए ये बुक्स धर्म के खिलाफ है ये बुक आम लोगों को भरका सकते हैं कुछ भी मतलब समझ रहे हो यही था ये इंडेक्स अब हमने तीन इम्पैक्ट पढ़ा है जो कि प्रिंटिंग रेवोल्यूशन के कारण हुआ पहला तो एक रीडिंग पब्लिक डेवलप होता है जिन्हें पढ़ने का नया नया शौक चढ़ता है फिर फिर हमने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट देखा और आखिर में हमने देखा डिसेंटिंग आइडियाज डेवलप हुआ यानी कि कुछ आइडियाज जो कि सही नहीं थे अगेंस्ट में थे रिलीजियस के अब आखिरी चीज होता है रीडिंग में निया यानी कि लोग अब पढ़ने के लिए पागल हो जाते हैं पागल बनती यार पढ़ने के लिए ये मैं क्या सुन रहा हूँ पढ़ने के लिए लोग पागल पक्का ये हमारा यूनिवर्स का बात चल रहा है ना लाइक पढ़ने के लिए कौन पागल होता है भाई लोग लॉन्डियो के लिए पागल होते हैं लोग ए, वेब सीरीज देखने के लिए पागल होते हैं लोग किसी भी चीज़ के लिए पागल हो सकते हैं बट पढ़ने के लिए आई डोंट बिलीव दैट बट क्या करें अब एन वाले चाचा ने दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई ऊपर से क्वेश्चन भी डाला हुआ है भाई 2018 और 19 में क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से व्हाट इज रीडिंग मेनिया एक्सप्लेन विच फैक्टर्स लीड टू द रीडिंग मेनिया इन सेवनटींथ एंड एटीन सेंचुरी इन यूरोप बहुत आसान है रीडिंग मेनिया क्या है और रीडिंग मेनिया किस फैक्टर्स के कारण यूरोप पे होता है सेवनटीन और एटीनथ सेंचुरी पे देखते हैं अचानक से यूरोप के अंदर में जो आम लोग थे वो पढ़ने को लेके किताबों को रीड आउट करने को लेके एकदम पागल से हो गए थे अब ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय लिटरेसी रेट एक तो बढ़ रहा था लोग पढ़े लिखे हो रहे थे और मार्केट में प्रिंटेड किताबों का कमी नहीं था धरल्ले से लोग प्रिंट कर रहे थे और धरल्ले से लोग पढ़ भी रहे थे किताबें और इसी पागलपंती को कहते हैं रीडिंग मेनिया। अब सवाल ये उठता है कि रीडिंग मेनिया अचानक से क्यों बना आर द फैक्टर बिहाइंड रीडिंग मेनिया इन यूरोप इन एटीन सेंचुरी देखो एटीन सेंचुरी में जो यूरोप का लिटरेसी रेट है ना वो सिक्सटी से डायरेक्ट एट्टी परसेंट पे जंप करता है काफी बड़ा जंप है राइट फिर चर्च वालों ने गांव में जाके स्कूल्स खोला जहां पीजेंट्स एंड जाके पढ़ सकते थे इससे भी लिटरेसी रेट बढ़ रहा था एंड देन नए नए तरह की किताबें लिटरेचर्स पब्लिश होना शुरू हो गया लाइक लाइक एलमिक एक रिचुअल कैलेंडर था जहाँ पे एस्ट्रोनॉमी तो समझते हो ना जहाँ यार हाथ देख के फ्यूचर बताते हैं ऐसे कुछ ऐसे एक रिचुअल कैलेंडर था इसके अलावा पैनिक चैप बुक इंग्लैंड में काफी फेमस था ये एक पॉकेट साइज बुक था जिसे तुम अपने पॉकेट पे कैरी करोगे कहीं भी तुम्हें पढ़ने दिल होगा तुम खोलोगे और पढ़ लोगे फिर अपने पॉकेट पर डाल दोगे फिर फ्रांस के अंदर में एक किताब बिलियो टेक ब्लू बहुत ही छोटा पॉकेट साइज बुक एग्जैक्टली जैसे इंग्लैंड में था उस तरीके का ये छोटे छोटे जो थे ना ये सस्ता था चीप था और आसानी से लोग अपने साथ कैरी कर सकते थे जहाँ मन हो वहाँ पढ़ते थे इन किताबों इसके अलावा अर्ली एटीन सेंचुरी पे न्यूज़पेपर जर्नल्स मैगजीन्स जो है काफ़ी पॉपुलर हुआ लोग पढ़ना शुरू कर दिए इन चीज़ों को और आखिरी चीज जिसके लिए लोग और एक्साइटेड रहते थे कि जो साइंटिफिक आइडियाज था जो फिलोसॉफर्स का थॉट्स था वो पढ़ना चाहते थे लोग लाइक like, बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ आइजेक न्यूटन के बारे में जब उन्होंने कुछ लिखा था ना अपना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में तो वो लोग जिन्हें साइंस के बारे में जानना पसंद है वो उन पेपर्स को पढ़ा करते थे अपने मतलब हॉबी के लिए और सब आते ना तो उनमें से भी कहीं होगा जिन्हें टेक चैनल्स देखना बहुत पसंद है कुछ लोगों को साइंस एक्सपेरिमेंट का चैनल यूट्यूब में देखना पसंद है तो आज तो हम यूट्यूब पे देखते हैं उस समय में तो उस समय में ये जो साइंटिफिक आइडियाज एंड फिलोसफी था ना ये आम लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ विद हेल्प ऑफ प्रिंट और लोगों ने धरले से पढ़ा भी इन्हें देख लो भाई एक वो

उनसे इंस्पिरेशन लो ना कि दिन भर बस स्क्रोल करते रहो अपने उंगलियों को ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा करूँ मैं भी एडिक्टेड ही हूँ स्क्रोलिंग का बट लाइक यार सब तो होते हैं बट कोशिश करते हैं चाहिए नहीं मतलब इम्प्रूवमेंट लाइक थिंग्स का हाँ आगे बढ़ते हैं तो यार हमने अब कंप्लीट कर लिया है प्रिंट रेवोल्यूशन का जो चार इम्पैक्ट था उनको देखो अब एक चीज तो क्लियर था कि प्रिंट रेवोल्यूशन के कारण आम लोगों को बहुत फायदा पहुंचा था लोग किताबें पढ़ के सही और गलत के बीच फर्क को तय कर पा रहे थे और ये चीज़ एक अच्छे समाज के लिए एक अच्छी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है बट कोई तो ऐसा होगा जिन्हें प्रिंट रेवोल्यूशन से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा हुआ उल्टा उन्हें तो नेगेटिवली इम्पैक्ट किया इस प्रिंट रेवोल्यूशन ने तो देखो जो मोनार्क थे या ऐसे लोग सोसाइटी के अंदर में जो अपना मनमानी करते थे अपने हिसाब से सोसाइटी को दुनिया को चलाने का कोशिश करते थे उन लोगों को बहुत परेशानियाँ होता है स्प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो मोनार्की और जो रिलीजियस लीडर्स थे जो सोसाइटी को अपने मुट्ठी पर रख के चलाना चाहते थे उन लोगों को प्रिंट रेवोल्यूशन से बहुत तकलीफ़ हुआ क्योंकि अब हम लोग सोच रहे थे समझ रहे थे चीज़ों को तो ऐसे लोग जिन्हें इन चीज़ से प्रॉब्लम था जो सोसाइटी को अपने मुट्ठी पर रखना चाहते थे कंट्रोल में रखना चाहते थे उन लोगों को कहा जाता है डेस्पोटिज्म अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें तुम डेस्पोटिज्म के चौधे कहना चाहोगे हाँ जो भी है हम क्या कह रहे थे कि फ्रांस के अंदर में एक बहुत बड़ा नॉवेलिस्ट था लुइस सेबेस्टियन मर्सियर इन्होंने ये जो डेस्पोटिज्म के बारे में और प्रिंट के कारण कितना फायदा हुआ हम लोगों को सोसाइटी को दुनिया को इनके बारे में दो स्टेटमेंट दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से बस इन दोनों स्टेटमेंट को याद रख लो बहुत है यार पहला स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल और जो लोगों का ओपिनियन है ना यही डेस्पोटिज्म को खत्म कर सकता है देखो प्रिंटिंग प्रेस से तुम किसी चीज को छापोगे और छापोगे क्या तुम जो लोगों का ओपिनियन है उन्हें आम लोगों तक पहुंचाओगे और इन दोनों चीजों से तुम जो डेस्पोटिज्म है यानी कि तुम सिंपली कह लो है इसे तुम खत्म कर दोगे और लुइस ने जो दूसरा बात कहा था इस स्टेटमेंट में जो दो वर्ड्स उनके ऊपर फोकस दो पहला है ट्रेम्बल ट्रेम्बल मतलब डरना कापना ठीक है और दूसरा वर्ड है टायरन यानी तुम कह सकते हो एक जालिम क्रूर राजा को कहते हैं टायरन अब तुमने इन दोनों वर्ड को समझ लिया है टायरेंड यानी कि एक ऐसा राजा जो अपने जनता के ऊपर अत्याचार करता है और ट्रैम्बल मतलब उस राजा को धरने को कहा जा रहा है तो स्टेटमेंट को पढ़ते हुए ट्रम्बल therefore tyrant of ऑफ world, ट्रंबल बिफोर द वर्चुअल राइटर्स देखो अगर मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट ना तो कुछ ऐसा बनेगा शर्म करो भगवान से डरो भोसडी वालों भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में क्या तुम समझ गया गेस <laughs> अब अगला सवाल प्रिंट कल्चर या प्रिंट रेवोल्यूशन ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया फ्रेंच रेवोल्यूशन की ओर कॉम्प्लिकेटेड सवाल है राइट कैसे प्रिंट रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन कर देता है

बिना पर सब तो हो नहीं सकता भाई ये तो मैंने तुम्हें ऊपर ऊपर से बताया डीपली देखते हैं ठीक है इलाइटनमेंट ये वर्ड तुमने कहीं कही ना कहीं सुना होगा जिसका मतलब ये है जब तुम्हें सही और गलत का बीच फ़र्क समझ आ जाए जब एक इंसान को ये पता चले कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ऐसे तो बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग है इसका बट मैं सिम्पली बता रहा हूँ तुम्हें तो उस समय के जो इलाइटनमेंट थिंकर्स थे ना उनका जो आइडिया है वो प्रिंट की मदद से पॉपुलराइज हुआ जैसे कि मैं दो थिंकर्स का नाम लूंगा रूसो एंड वॉल्टर यूरोप के अंदर में इन दोनों का जो राइटिंग्स था ना इन्हें आम लोगों ने पढ़ा और इनके राइटिंग्स में दो चीज़ कॉमन था ये जो चर्च का जो अथॉरिटी है ना और जो ये मोनार्की का जो रूल था ना जिसे तुम डेस्पोटिज्म भी कहते हो इसे धरले से क्रिटिसाइज किया ये चीज़ें जो कर रहे हैं ना चर्च वाले और मोनार्की वाले अब क्या कर रहे हैं है तो तुम्हें पता है उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया वॉल्टर एंड रूसो ने दूसरा देखो प्रिंट के वजह से ना एक कल्चर डेवलप्ड होता है एक कल्चर जहाँ तुम चीज़ों को डिस्कस करोगे डिबेट करोगे डायलॉग करोगे पहले की तरह नहीं कि भाई साहब कुछ हो या तो भाई पे ले देंगे तुम्हें नहीं यार देखो जो एक पढ़ा लिखा इंसान होता है उसे ये बात समझ आता है कि भाई साहब लड़ने से ना भाई किसी का फायदा नहीं होता बातें ना सॉल्व तभी होगा जब बातें करेंगे हम और इसी को कहते हैं डायलॉग एंड डिबेट्स ठीक है बातें करो आर्गूमेंट रखो अपना और अपने आप को सही साबित करो आ, आ, क्या बोलते हैं यहाँ में एक एक्सेप्शन भी है ठीक है अगर तुम डायलॉग एंड डिबेट कर रहे हो अपने क्रश अपने एक्स और अपने गर्लफ्रेंड के साथ तो भाई साहब चाहे तुम कितने भी पड़े लिखे हो भाई मैं तुम्हें सजेशन दे रहा हूं ना ये चीजें काम नहीं आने वाला सीधा बस यही कहना हुँ? अच्छा ठीक <laughs> तो प्रिंट के वजह से ये जो डायलॉग एंड डिबेट बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ और इसने ना सीधा सीधा क्वेश्चन करना शुरू कर दिया जो एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड बिलीव्स था उनका अब क्या हो सकता है ये एग्जिस्टिंग आइडियाज़ एंड बिलीव वही धर्म को लेके मोनार्की को लेके जो भी आइडियाज़ और बिलीव पहले से चलते आ रहे हैं उन्हें क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि ये चीज़ें जो हो रहा है ये गलत है नहीं होना चाहिए बाकी 1780s एटीज आते आते ना जो लिटरेचर जो किताबें छप रहे थे ना यूरोप के अंदर में उन्होंने सीधा ये जो मोनार्की है ना इनके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया मतलब तुम सोचो ना यार यूरोप उस समय ऐसा कंडीशन में था जहाँ आम लोग परेशानियों से जूझ रहे थे और राजा महाराजा भाई साहब बड़े बड़े पैलेस में मतलब एन्जॉय कर रहे थे समझ जाओ यार तो लिटरेचर्स में सीधा सीधा ये चीज़ें छपने लग गया पढ़ने लगे लोग देखो यार राजा तो वहाँ मस्ती कर रहे हैं और तुम आम लोग हम आम लोग क्या कर रहे हैं अपना खून पसीना सब बहा रहे सो इन चीज़ों ने यार क्या क्या आग बरसाया कि नहीं बरसाया लोगों के बीच अब यही गुस्से में आए हुए लोग आगे जाके क्या करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन आगे सब तुम्हें तो समझ आ गया होगा आगे बढ़ते वैसे तुम लोग तो मेरा हाल चाल कभी पूछते नहीं हो बट आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि नाइनटीन सेंचुरी में प्रिंटिंग की वजह से बच्चों का क्या हालचाल था औरतों का क्या हालचाल था और वर्कर्स का क्या हालचाल था और प्रिंटिंग को लेके क्या क्या इनोवेशन हुए वो देखेंगे बच्चों का बात करते हैं लेट नाइनटीन्थ सेंचुरी आते आते जो प्राइमरी एजुकेशन है ना उसे कंपलसरी कर दिया गया बच्चों के लिए यूरोप के अंदर में इसके अलावा फ्रांस के अंदर में 1857 को बच्चों के लिए अलग से प्रेस प्रिंटिंग प्रेस खुला गया चाइल्ड ब्रेस जिसे कहते हैं जहाँ सिर्फ बच्चों के लिए किताबें छापा जाएगा फिर जर्मनी के अंदर में थे ग्रीन ब्रदर्स इन्होंने जो रूरल एरियाज का कहानी होता है ना फोक टेल्स उन्हें अपने स्टाइल में जिससे कि बच्चों को मतलब मस्ती हो समझने में मतलब बच्चों के स्टाइल में तुम कह सकते हो कहानी को पब्लिश करना शुरू कर दिया प्रिंट करना शुरू कर दिया ये तो बच्चों के बारे में था वेमेंस के बारे में बात करते हैं देखो वेमेन्स उस समय में ना रीडर भी थे राइटर भी थे नाइनटीन सेंचुरी में यूरोप में ज़्यादातर जो नॉवेल्स पब्लिश होता था उसका जो मेजर ऑडियंस होता था ना टारगेटेड ऑडियंस वो औरतें ही होते थे तो मैं यार आज भी देख लो ज़्यादातर जो लड़कियां औरतें नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हैं इनफैक्ट मेरा जो कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड है ना उसे भी बस नॉवेल्स पढ़ना ही पसंद है मतलब इतना नॉवेल्स पढ़ पढ़ के ना आंखों में चश्मे लग चुके हैं बट हु केयर्स खैर अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ते ही थे वो लोग ठीक है मैंने बताया कई सारे फेमस जो नॉवलिस्ट थे वो औरतें भी थे नाम यहाँ पे दिया हुआ है अपने अपने श्रद्धा और भक्ति के हिसाब से तुम याद कर लेना बाकी मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि रहन दो भाई गन फट जाएगी ऐसा नाम याद करने में वर्कर्स का क्या कंडीशन था देखो सिक्सटीन सेंचुरी आते आते ना यूरोप के अंदर में लैंडिंग लाइब्रेरीज खुला अब लैंडिंग लाइब्रेरीज मतलब तुम वहाँ से किताबें उधार पे लेके जाओगे पढ़ोगे फिर वापस कर दोगे ठीक है ये सिस्टम है अब इससे ना जो वाइट कॉलर्स वर्कर थे जो आर्टिजन थे जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे जो डायरेक्टली किताबों को परचेज नहीं कर पाते थे उन्हें पढ़ने का एक मौका मिलता है क्योंकि देखो पैसा नहीं है तो क्या हुआ उधारी पे ले पर लेके पढ़ लेंगे ना यार जो कि एक अच्छी बात है राइट इससे देखो होता क्या है जो लोग हैं अपने आप को सेल्फ एजुकेट करते हैं कोई टीचर नहीं चाहिए कुछ नहीं हम किताब है पढ़ेंगे खुद से पढ़ेंगे और सेल्फ़ एजुकेट करेंगे अपने आप को और जो मैं मानता हूँ कि बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी है ना वो सेल्फ एजुकेशन ही है मतलब तुम अपने आप को सिखा रहे हो पढ़ा रहे हो इससे अच्छा और गया ही हो सकता है नहीं तो वर्किंग क्लास पीपल जो काम करने वाले मेहनती लोग थे उन्होंने खुद को सेल्फ एजुकेट किया उसके बाद जो पॉलिटिकल कंडीशन था उस समय का उसके बारे में लिखना शुरू किया जो अपना ऑटोबायोग्राफी है वो लिखना शुरू कर दिया तो ये था वर्कर्स के बारे में मोटा मोटा उसके बाद बात करते हैं कि क्या इनोवेशन हुआ प्रिंटिंग uh, प्रेस को लेके सेंचुरी में क्वेश्चन है देखो एक्सप्लेन द फाइव इन्वेंशन इन द प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप टेक प्लेस इन सेंचुरी एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ जिसका नाम था सिलेंड्रिकल प्रेस डेवलप किया था रिचर्ड एम हो ने अब इससे खास बात यह था कि अब एक घंटे के अंदर में तुम 8000 पेजेस को तुम प्रिंट कर सकते हो जो कि पहले जो टेक्नोलॉजी था उससे काफी स्पीड था फिर ऑफसेट प्रेस आया अब इससे तुम क्या कर सकते हो एक साथ सिक्स कलर्स को एक साथ प्रिंट कर सकते हो फिर आता है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस इससे क्या हुआ जो प्रिंटिंग ऑपरेशन है ना वो और तेज हो गया एंड देन कुछ छोटे मोटे इन्वेंशन और थे लाइक देखो मेथड ऑफ फीडिंग पेपर्स इंप्रूव हुआ और जो क्वालिटी ऑफ प्लेट्स था वो भी इंप्रूव होता है बेटर होता है और जो ऑटोमेटेड पेपर रील्स थे या फिर जो या फिर फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ कलर्स अब देखो मैं इन्हें डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ना ही मैं कोई प्रिंटिंग प्रेस का एक्सपर्ट हूँ जो एक एक चीज को डिटेल में बताना शुरू कर दूँ और ना ही तुम्हें कोई प्रिंटिंग प्रेस का मास्टर बनना है जो दिया हुआ है थोड़ा बहुत देख लेना सीख लेना बस आगे बढ़ते छोटा सा क्वेश्चन है देखो इसके रिलेटेड उस समय मैंने बताया कि लोग प्रिंट जो है धरले से कर रहे थे अब अगर सामान तुम प्रोड्यूस कर रहे हो उसे अगर बेचना है ना तो अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होना है तुम्हारे पास तो उस समय के जो पब्लिशर और प्रिंटर्स थे ना उन्होंने किस तरीके का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया अपने सामान को बेचने के लिए वो देखो नॉवेल्स जो फेमस नॉवेल्स इंपॉर्टेंट नॉवल्स थे ना उन्हें सीरियलाइज कर दिया मतलब मतलब देखो आजकल का जो नेटफ्लिक्स का शो है क्या है सीजन वाइज है ना पहला सीजन फिर दूसरा तीसरा एक्साइटेड रहते हैं हम हमेशा एक नए सीजन के लिए तो नॉवल्स को भी सीरियलाइज कर दिया पार्ट वन पार्ट टू ऐसे करके फिर डस्ट कवर कह लो या बुक जैकेट इसका इंट्रोडक्शन हुआ आई गेस

मेरे कृष्ण ने मुझे कहा कि भाई तू बॉयफ्रेंड टाइप मटेरियल नहीं है हम दोनों का नहीं हो पाएगा उससे ज्यादा दर्द हुआ भाई ये चीज देख के बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना इस चैप्टर के अंदर में हमने देखा कि किस तरीके से प्रिंट चाइना में डेवलप होता है फिर वो फिर जापान में पहुंचता है और फिर वो यूरोप में पहुंचता है अब हमें देखना है कि प्रिंट कैसे इंडिया में आया बट इससे पहले दो सवाल का जवाब जानना जरूरी है कि प्रिंट से पहले हमारे इंडिया में क्या चलता था लोग किस चीज़ पे लिखते थे मैनूस्क्रिप्ट राइट मेनूस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे हम और मेनूस्क्रिप्ट के अंदर में क्या प्रॉब्लम था वो भी देखेंगे पहले बात करते हैं मेनूस्क्रिप्ट का बात करूं इंडिया का एक लंबा हिस्ट्री रहा है हमारा हाथ से लिखा हुआ जो मेनूस्क्रिप्ट है उसको लेके चाहे संस्कृत में हो अरबिक में हो पर्शियन में हो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में manuscript को लिखा गया पहले समय में देखो पेपर भी जो आता है, आता है है चाइना से हमने पेपर का invent नहीं किया था हम उस समय किस में लिखते थे पता पत्ता एक का जिसे कहते हैं में हम स्क्रिप्ट को लिखा करते थे जो पेजेस होता था उन्हें हम बहुत ही सुंदर से डेकोरेट किया करते थे और इन मेन्यूस्क्रिप्ट को बचाए रखने के लिए हम लकड़ी के बक्से में ने रखा करते थे इकट्ठा ये सिलसिला जो है चलता रहा जब तक प्रिंट इंडिया में नहीं आ गया इस बात है, प्रिंट आने के बाद तो लोग प्रिंटेड बुक को प्रेफर करते थे क्यों करते थे कुछ प्रॉब्लम था मैनोस्क्रिप्ट में राइट ये वही प्रॉब्लम था जो यूरोप के लोग मैन्यूस्क्रिप्टे फेस कर रहे थे तो लिखा हुआ है पॉइंट तो एक बार पढ़ लेना मैं इन्हें नहीं, नहीं पढ़ा रहा बढ़ते सीधा उस पॉइंट पे जहा हमें पता चलेगा कि कैसे इंडिया में प्रिंट आता है पहली बार इंडिया के अंदर में प्रिंटेड प्रेस आता है मिड सिक्सटीन सेंचुरी में लगभग ये टाइम पीरियड था फिफ्टींथ और सिक्सटीन सेंचुरी के बीच का जो समय है उस बीच आता है और ये लाते कौन है प्रॉचुगेज मिशनरीज गोवा में लेके आते हैं याद रहेगा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, है। गोवा में आता है पहला प्रिंटिंग प्रेस कौन लाते है प्रोचुगेज मिशनरीज कब लाते है लगभग मिड सिक्सटीन सेंचुरी पे प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद सीरीज ऑफ बुक पब्लिश होता है रीजनल लैंग्वेजेस में लाइक like देखो ऑलमोस्ट 50 बुक्स पब्लिश होता है कोंकानी एंड कनारा लैंग्वेज में इन 1674 पहला तमिल बुक पब्लिश होता है इन 1579 पहला मलयालम बुक प्रिंटेड होता है 1713 को ये जो मैंने बुक लिस्ट बताया है जो कि रीजनल लैंग्वेज में लिखा गया था ये पहले प्रिंटेड बुक्स थे बट देखो खास बात ये था कि ये सारे बुक रीजनल लैंग्वेजेस में था अभी तक कोई इंग्लिश में लिखा हुआ प्रिंटेड बुक नहीं आया था तो तुम कह सकते हो जो पहला इंग्लिश में लिखा हुआ कोई चीज इंडिया में आता है प्रिंटेड होता है वो था एक मैगजीन जिसे कहते हैं बंगाल गैजेट किसने पब्लिश किया था जेम्स हिस्की अंग्रेजी में लिखा हुआ कोई पहला प्रिंटेड सामान अगर कुछ तो था ना तो यही था बंगाल गैजेट एंड देन लेटर पहला इंडियन जिन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन को स्टार्ट किया गंगाधर भट्टाचार्य इन्होंने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था उसका नाम था बंगाल गैजेट देखो ये लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी है कि दोनों का नाम सेम ही है जो मैगजीन और न्यूज़पेपर का और जो मैंने इंटरनेट पे भी थोड़ा वो रिसर्च करके देखा था वो हमें दिखाया गया कि पहला जो न्यूज़पेपर का नाम है ना वो भी बंगाल गैजेट है और जिसको आ, हमारे जेम्स साहब ने मतलब पब्लिश किया था सो इसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ तो मैं कमेंट नहीं कर रहा जो किताब में है उस हिसाब से मैंने लिख दिया बट यह इंपॉर्टेंट एक चीज़ है देखो जो अंग्रेजी में लिखा हुआ पहला मैगजीन था इसके अंदर में एक बात लिखा हुआ था जो कि बार बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम्स में अब वो क्या बात था देखो ये जो बंगाल गेजेट मैगजीन है ना इट इज़ ए कॉमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुंस बाई नन बात समझ रहे हो देखो पढ़ के इतना तो समझ में आ रहा है कि ये वो पेपर है जिसे कोई भी पढ़ सकता है किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है इसके अंदर में बट ये एग्जैक्टली exactly कहना क्या चाह रहा है वो देखते हैं ये जो चीज़ है ना जो ये जो स्टेटमेंट है ये डिस्क्राइब कर रहा है जो वीकली मैगजीन है बंगाल बेंगाल जो कि पब्लिश किया गया था जेम्स अगस्टस के द्वारा स्लोगन कह सकते हो इस मैगजीन का आई गेस ये इंडिया का पहला इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस का स्लोगन था लाइक अब ऐसा क्यों कहा गया पता है इन्फ्लुएंस बाय नन इसका मतलब ये था कि देखो ये जो प्रिंटिंग प्रेस था ना ये प्राइवेट एंटरप्राइज था एक मतलब एक प्राइवेट इंडिविजुअल से कंट्रोल करता था कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह कंट्रोल इन्फ्लुएंस कुछ नहीं था उल्टा ये मैगज़ीन ना अंग्रेज ऑफिशियल्स को गवर्नमेंट को कॉलोनियल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे बट वही है ना तुम कॉलोनियल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करोगे तुम ज़्यादा टिक नहीं पाओगे तो इन्हें फिर जेल में डाल दिया जाता है एंड देन मेरा ख्याल से जितना मैंने स्टडी किया इस ये चीज़ को आ, कि शायद बंगाल गेजेट ना वो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन दोनों एक ही होता होगा शायद जब इन्हें जेल में डाल दिया गया इसके बाद जो ये गंगाधर भट्टाचार्य जी है ना इन्होंने उनका ही जो प्रिंटिंग प्रेस है ना इधर ही अपना जो न्यूज़पेपर है बेंगॉल गैजेट इसे शुरू किया आई गेस ये मेरा थ्योरी है जरूरी नहीं है कि सही होगा बट गेस करने में क्या है अब तुम लोग ऐसा कुछ लिख के मत आना बस मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ जो मुझे लगा वो चीज़ जो बाकी जो मैंने लिखा है वो तो तुम लिख सकते हो बट जो मैं कह रहा हूँ उसे मत लिखना दैट्स माई Thought, ideas, जो कि हमेशा सही नहीं होगा आई गेस हाँ अगर तुम्हें पता है ना कुछ इस चीज के बारे में तो मुझे जरूर बताना आह ठीक है इंडिया में कई सारे रीजनल लैंग्वेजेस में बुक प्रिंट हुआ साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी प्रिंट होता है और लोग पढ़ते हैं राइट इसे और तुम्हें पता है जब लोग पढ़ते हैं कोई चीज समझते हैं सीखते हैं तब क्या आता है सोसाइटी में बदलाव राइट रिफॉर्म्स एग्जैक्ट वैसे ही जैसे यूरोप के अंदर में लोगों ने पढ़ा समझा और उसके बाद उन्होंने जो चर्चेस के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया मनारकी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया बिल्कुल ऐसे ही अब इंडिया में तुम देखोगे रिलीजियस रिफॉर्म एंड द पब्लिक डिबेट अगला टॉपिक है हमारा अब इसके अंदर में होता क्या है नाइनटीन सेंचुरी आते आते लोग अब अलग अलग तरीके से सोचने लगे थे धर्म के अंदर ही ठीक है कुछ लोग थे जो पुराने जो तौर तरीके थे उन्हें सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग थे जो बदलाव चाहते थे जो गलत हो रहा है ना समाज में उन चीज़ों को बदलना चाहते थे लाइक जो उन चीज़ों को बदलना चाहते थे ना उन्हें क्या कहते हैं रिफॉर्मर्स लाइक तो अब तुम देखोगे लड़ाई ऑर्थोडॉक्सी वर्सेस रिफॉर्मर्स के बीच ऑर्थोडॉक्सी यानी वो लोग जो पुराने ख्यालों वाले पुराने सोच वाले और रिफॉर्मर्स वो लोग थे जो समाज में बदलाव चाहते थे तो रिलीजन के नाम पे इंडिया में दो बड़े बड़े रिलीजन है हिंदू एंड मुस्लिम्स राइट अब इन दोनों में किस तरीके का रिफॉर्म्स आया वो देखते हैं पहले हिंदूस का बात करते हैं देखो मैंने थोड़े पहले बताया तो मैं कि जो पुराने ख्याल वाले हैं और जो रिफ़ॉर्मर्स हैं उनके बीच एक लड़ाई होता है एक कॉन्ट्रवर्सी चल रहा होता है ऑर्थोडॉक्सी एंड रिफॉर्मर्स के बीच अब जब रिफॉर्मर्स का नाम आता है ना तो वहाँ में एक बहुत बड़ा नाम है राजा राम रॉय द लेजेंड लिटरली अगर तुम आज एक लिस्ट बनाते हो कि हिंदुज्म जो रिलीजन है इसे रिफॉर्म करने में किन किन लोगों का हाथ रहा है तो उनमें एक आएगा हमारा राजा राम मोहन रॉय बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने उस समय जो उनका आइडियाज था रिफॉर्मेटिव आइडियाज लोगों तक पहुँचना चाहिए था वो आइडियाज तभी तो लोग समझेंगे सीखेंगे उसके लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर का शुरुआत किया जिसका नाम था संवाद कमोदी 1821 को ये न्यूज़पेपर स्टार्ट होता है फिर इसको काउंटर करने के लिए जो लोग Uh, हमारे राजा राम मोहन राय इससे एग्री नहीं करते थे यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स मैंटेलिटी वाले आदमी थे उन्होंने भी अपना एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन शुरू किया जिसका नाम रखा समाचार चंद्रिका अब देखो मैं यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहूँगा मुझे ना कुछ कुछ लोगों का नाम से ना बहुत प्यार होता है लिटरली बता रहा हूँ किसी का भी नाम कोई चीज़ हो कोई मतलब इंसान हो नाम से मुझे मतलब थोड़ा तो होता है मतलब समझ रहे हो ना लवेरिया है मुझे नाम से तो यहां ना मुझे ये समाचार चंद्री का कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा नहीं चंद्री का समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं खैर ये तो था हिंदू के बारे में कि किस तरीके से लड़ाई चल रहा था रिफॉर्मर्स एंड ऑर्थोडॉक्सी के बीच बात करते मुस्लिम रिलीजन में क्या हाल चल रहा था देखो मुस्लिम में कहा जाता है कि उलेमास ना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अब तुम सोच रहे हो ये उलेमास क्या है देखो जो धर्म को लेके स्टडी करता है ना लाइक like देखो हम लोग जो पढ़ते हैं वो अलग चीज़ है बट मुस्लिम में जो धर्म को लेके पढ़ के एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है ना जिन्हें धर्म का लगभग बहुत समझ होता है उन्हें शायद कहते हैं उलेमास आई गेस यही है उलेमास और एन में भी जो डेफिनेशन दिया हुआ था कुछ ऐसा ही था रिलीजियस स्कॉलर जो होता है ना जो धर्म को लेकर पढ़ता है समझता है सीखता है उसी को कहते हैं उलेमा सो उले मास, so, मास उस समय बहुत घबरा के बैठे हुए थे तीन चीज़ों से एक तो देखो उस समय जो मुस्लिम डायनेस्टीज था उनका कोलेप्स हो रहा था ऑवैसा बात है अंग्रेज किसी को नहीं छोड़ रहे थे जो भी राजा चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो फर्क नहीं पड़ता सब खत्म हो रहा था तो वो एक डर था कि मुस्लिम डायनेस्टीज खत्म हो रहा था अब जो ये मुस्लिम रिलीजन है उसे प्रोटेक्ट कौन करेगा फिर ये भी डर था कि जो ये कॉलोनियल रूलर्स है ये जो हमारे धर्म के लोगों को कन्वर्ट ना कर दे यानी कि मुस्लिम से कोई क्रिश्चियन ना बन जाए और आखिरी डर ये था कि हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है इन्हें ये चेंज ना कर दे तो अगर इन चीज़ों से बचना था ना तो लोगों को यानी कि जो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग थे उन्हें एजुकेट करना बहुत जरूरी था अगर वो एजुकेट हो जाएंगे तो वो बहकावे में नहीं आएंगे अंग्रेजों के राइट तो देखो एक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं लिथियोग्राफिक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही सस्ता होता है अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो धर्म के ग्रंथ कहते हैं ना मुस्लिम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स उन्हें पर्शियन एंड उर्दू में ट्रांसलेट किया जो कि आम लोग पढ़ सके इसके अलावा कई सारे न्यूज़पेपर्स को भी जो रिलीजन को लेके बात करते हैं उन्हें पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया आई I मीन mean, प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सेमिनरी क्या है उलेमास के अलावा इन्होंने भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया जो है मुस्लिम रिलीजन को प्रोटेक्ट करने में कैसे देखो ये दिवंद सेमिनरी बनता है एटीन को जहाँ बनने के बाद इन्होंने कई सारे फतवास को लोगों तक तो पहुंचाया अब इन फतवास में लिखा था कि एक मुस्लिम को किस तरीके से अपना जिंदगी बिताना चाहिए इसके अलावा जो मुस्लिम धर्म में जो मानने वाला बिलीव्स था उन्हें भी एक्सप्लेन किया गया लाइक जो मुस्लिम डॉक्टरस होता है क्या है वो डॉक्टर क्या मानना है मुस्लिम का उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन किया खैर ये तो था मुस्लिम्स के बारे में हिंदूज़ भी कहीं कम नहीं थे कई सारे हिंदू बुक्स पब्लिश हुआ प्रिंट हुआ जिससे कि हिंदूज़ को भी अवेयरनेस फैला क्या होता है हिंदुज्म कैसे होता है हिंदुजम ठीक है लाइक like जो सिक्सटींथ सेंचुरी में रामचरित्र मानस तुलसीदास जी ने लिखा था ना उसका जो पहला प्रिंटेड एडिशन आया 1810 को इन कैलकाटा इसके अलावा किताब के अंदर में दो न्यूज पब्लिकेशंस का नाम दिया हुआ है जो एटीन से ये रिलीजियस किताब है जो हिंदू रिलेटेड है उन्हें छापना शुरू किया लाइक like, नाम जो है उनका कुछ ऐसा है नबल किशोर प्रेस इन लखनऊ एंड श्री वेंकटेश्वर प्रेस इन बॉम्बे इंपॉर्टेंट नाम याद रख लेना अच्छा एक सवाल जो हमें सही इंस्टाग्राम में या फिर तुम कमेंट सेक्शन में मुझे पूछते हो कि भाई तू तो सही में सिंगल है नहीं तू बताता तो है बट हमें विश्वास नहीं कि तू सही में सिंगल है तो भाई देखो मैं तुम्हें बस अपने बारे में इतना बताना चाहूंगा कि मेरा हालत कुछ ऐसा है यार और अपने दुखते नस पे हाथ मत रखो तुम लोग आगे बढ़ते हैं सीधा जो नेक्स्ट टॉपिक है न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन लाइक देखो जैसे यूरोप के अंदर में न्यू न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन आ रहा था अलग अलग टाइप के बुक्स आ रहा था नॉवेल्स न्यूज़पेपर्स अलग अलग चीजें मतलब उस समय में यूरोप के अंदर में आ रहे थे राइट अब इंडिया में भी वो चीज हमें देखना है क्या क्या आता है लाइक देखो जो नॉवेल्स था ना वो इंडियन स्टाइल में इंडियन फॉर्म में प्रिंट होना शुरू हुआ इंडियन लोगों के लिए इसके अलावा कई और तरह के लिटरेरी फॉर्म्स भी आना शुरू हुआ मार्केट पे लाइक like देखो जो लिरिक्स होता है वो प्रिंटेड होना शुरू हुआ और जो शॉर्ट स्टोरीज था एस एस पॉलिटिक्स सोशल मैटर्स पे ये तो देखो छोटे मोटे चीजें थे बट नाइनटीन सेंचुरी के आने के बाद एक वर्चुअल कल्चर का शुरुआत होता है अब क्या है ये वर्चुअल कल्चर और क्यों कई बार सी सी ने भी इस वर्चुअल कल्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है लाइक like देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हाउ बाय द एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी ए न्यू वर्चुअल कल्चर टेक शेप इन इंडिया याद है जापान के अंदर में हमने एक खास तरह का आर्ट फॉर्म के बारे में सुना था ऊख्यो जहां तुम वर्चुअल इमेजेस को कुछ इस तरीके से बनाते हो जे देख के लगता था कि ये तो जिंदा है अब ऐसा ही कुछ आर्ट फॉर्म इंडिया में डेवलप होता है प्रिंटिंग प्रेस के बढ़ने के साथ साथ जो वर्चुअल इमेजेस भी बहुत बनता है देखो बहुत सिंपल सा चीज है पहले कोई पेंटर कोई चीज़ को पेंट करेगा फिर उसे तुम प्रिंट करोगे और उसका मल्टीपल कॉपीज तुम लोगों तक तो पहुंचाओगे प्रिंटिंग की मदद से अब ऐसा ही एक काम किया था हमारे एक पेंटर थे राजा रवि वर्मा इन्होंने कई चीज़ों को पहले पेंट किया लाइक ये जो इमेज है ये भी उनका ही वर्क है उसके बाद इन इमेजेस को प्रिंट करके मास स्केल में लोगों तक तो पहुँचाया गया अब इसमें देखो बहुत मदद किया जो गरीब वुड इग्रेवर्स थे यानी कि जो आर्टिस्ट लकड़ी का काम करते थे लाइक जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे जो जा हाथों से प्रिंटिंग होता है ना वो टेक्नोलॉजी उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के सामने अपना दुकान खोला जहाँ प्रिंटिंग प्रेस वाले इन्हें बुला के इनसे बनवाते थे इमेज ताकि इमेज सस्ता बने जो भी प्रिंट हो रहा है ना वो सस्ता प्रिंट हो अब सस्ता होता है तो आम लोग खरीदते और अपने घरों में डेकोरेट करते इससे और ऐसे करते करते तुम जो देखते हो कि वर्चुअल कल्चर का शिप बनता है जहां तुम देखते हो कि पेंटिंग के मदद से हम मॉडर्निटी को दिखाते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड कैसा होगा ओल्ड ट्रेडिशंस कैसा था लाइक रिलीजन पॉलिटिक्स सोशल कल्चर कई चीजों को हम दिखा सकते हैं जो हम पहले बस लिखते थे अब हम उसे प्रिंट करके दिखा भी सकते हैं हमारे देश में ना औरतों ने बहुत कुछ सहा यार तुम इमेजिन नहीं कर सकते ऐसे ऐसी चीजें तुम्हारे मम्मी तुम्हारी दादी तुम्हारी मौसी ने फेस किया होगा इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं मेरे मौसी की कहानी तुम्हें सुनाऊंगा बट प्रिंट ने ना उन्हें एक जरिया दिया कि वो अपने आवाज जो कई सालों से दबा हुआ था ना उस आवाज को सोसाइटी के सामने समाज के सामने ला पाए हमारा अगला टॉपिक है वुमेन इन द प्रिंट जहां तुम देखोगे कि कैसे औरतों ने प्रिंट की मदद से अपना आवाज़ जो दबा के रखा था ना उसे बाहर निकाला क्योंकि देखो उस समय ना औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था बट कुछ ऐसे रिविलियस औरतें थे जिन्होंने छुप छुप के ही सही बट पढ़ना लिखना सीखा और कई सारे किताबें लिखे लाइक like एक एग्जाम्पल है के में, एक बहुत और लिखना उर्दू में सीखा। फिर एक बंगाली देवी इन्हें शादी दिया था एक ऑर्थोडॉक्स बंगाली फैमिली में अभी यह ऑर्थोडॉक्स से मतलब है वो फैमिली जहां औरतों का कोई इज्जत नहीं है मतलब दे आर लाइक ऑब्जेक्ट राइट अब ऐसे फैमिली में रहते हुए भी उसने चुप चुप के अपने किचन में पढ़ना लिखना सीखा लेटर एक बायोग्राफी लिखा अपना जिसका नाम था अमार जीवन बंगाली में है ये अगर तुम ट्रांसलेट करो इंग्लिश में तो इट्स लाइक माई लाइफ समझ रहे हो और एग्जाम पॉइंट से यहां इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये पहला बंगाली प्रिंटेड बायोग्राफी था जो एक औरत ने लिखा था बाई गॉड समझ रहे हो बात फिर और एक बंगाली ऐसी वुमेन थी कैलाश वाशिनी देवी इन्होंने भी किताबे लिखा ऐसा जहाँ को हाईलाइट करा गया कि की जिंदगी में क्या होता है कैसे उन्हें शादी के बाद एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है उन्हें इग्नोर किया जाता है उन्हें फोर्सफुली घर के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और कैसे उनके अपने ही उन्हें एक नौकर की तरह ट्रीट करते हैं इन सब चीजों को उन्होंने हाईलाइट किया अपनी किताबों में फिर महाराष्ट्र के अंदर में दो वुमेंस थी ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई इन्होंने जो अपर क्लास हिंदूस में जो वुमेन्स का कंडीशन कैसा था उनके बारे में लिखा स्पेशली जो औरतें विधवा औरतें थे उनका कंडीशन कैसा था उनके बारे में लिखा तुम देख रहे हो प्रिंट ने उन्हें एक आवाज़ दिया कि सोसाइटी में जो उनके साथ गलत चीज़ें हो रहा था ना उन्हें डबाया जा रहा था उन्हें एक्सप्लॉयट किया जा रहा था ये चीज़ें अब बाहर आ रहा था लोग अब पढ़ रहे थे समझ रहे थे और जो मेच्योर लोग अनजाने में ऐसी गलतियाँ किया करते थे वो अब इन गलतियों को दोहराने से बच रहे थे इसके बाद देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किताब है जिसका नाम है स्त्री धर्म विचार लिखा था इसे राम चड्डा ने जिसके अंदर में बताया गया था कि औरतों को अगर एक आइडल वाइफ बनना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें करना है लाइक लिटरली तुम विश्वास करोगे कि नहीं करोगे ये चीज़ ना मुझे एकदम अंदर तक गया ये बात क्या एक ऐसा किताब होना चाहिए जहां औरतों को ये सिखाया जाए बताया जाए कि एक अच्छा वाइफ कैसे बने मैंने अपने कॉलेज में एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट किया था अपने ही दोस्तों के ऊपर नहीं मतलब देखो उन्हें पता नहीं है मैं अभी यूट्यूबर हूँ बोल के ठीक है मैं उनके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट करता हूँ और उन्हें पता चल जाए ना भाई साहब तो छोड़ेंगे नहीं मुझे बट मैंने उनसे पूछा अगर तुम्हें एक ऐसा किताब दिया जाए जहाँ तुम्हें कहा जाए कि इस किताब को पढ़ो जहाँ तुम एक आइडल वाइफ कैसे बन सकते हो वो बताया जाएगा तो तुम क्या पसंद करोगे पढ़ना और तुम्हारा ओपिनियन क्या रहेगा तुम जान के हैरान होगे आई डोंट नो क्यों उन्होंने ऐसा कहा उनका वुमेन ईगो सामने आएगा या क्या उन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसे किसी किताब को नहीं पढ़ना चाहेंगे जो हमें यह सिखाया कि ऐसा आइडल वाइफ बना जाए मतलब एक तरीके से एरोगेंट तरीके से बात किया उन्होंने ऑलमोस्ट सबने ऐसा कहा ठीक है मुझे एक ऐसा लड़की नहीं मिला जो इस बात से मतलब एग्री करते चलो पढ़ लेते लिटरली देखो मैं तुम लोगों को ये कहना चाहूँगा अगर मुझे एक ऐसा किताब दिया जाए वह बताया जाए कि एक आइडल हस्बैंड कैसे बनता है ना मैं खुले दिमाग के साथ ओपन माइंडेडली उस किताब को पढ़ना पसंद करूँगा कोई गलत चीज़ नहीं है इसमें यहाँ में अगर तुम अपने ईगो को लाते हो ना आई गेस चीज़ सही नहीं है ये बट मैं यार मेरे दोस्तों के ओपिनियन से बहुत ही अपसेट हूँ इनफैक्ट मेरे बहन ने भी सेम ही ओपिनियन रखा था आई डोंट नो मैं क्या कहूँ इसके बारे में अब तुम भी मुझे जिसके लिए क्रिटिटाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो बट जो मुझे लगा सही वो मैंने कहा बढ़ते अगले टॉपिक की ओर प्रिंट एंड द पुअर पीपल गरीबों का और प्रिंट का क्या रिलेशन था नाइन्टीन सेंचुरी आते आते छोटे और सस्ते किताबें मार्केट में अवेलेबल थे जो आसानी से लोग पढ़ सकते थे वो लोग जो गरीब थे जो महंगे महंगे किताबें अफोर्ड नहीं कर पाते थे ट्वेंटी सेंचुरी आते आते पब्लिक लाइब्रेरीज खोला गया जहाँ अब आम लोग गरीब लोग जाके पढ़ सकते थे किताबों को इसके अलावा लेट नाइन्टीन सेंचुरी पे जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है ना इसके खिलाफ राइटर्स ने आवाज़ उठाना शुरू किया और इनमें बहुत बड़ा नाम आता है ज्योतिबा फुले का जिन्होंने एक किताब लिखा था गुलामगिरी जहाँ जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को है बहुत अच्छी तरीके से बताया गया फिर यार देखो कानपुर के अंदर में एक कॉटन मिल वर्कर थे जिनका नाम था काशी बाबा अच्छा ये थोड़ा बंगाली बाबा काशी बाबा भाई भाई लग रहा है यार नहीं मेरा अच्छा चलो ठीक है बाद में बात करते हैं उसका काशी बाबा ने एक किताब लिख के पब्लिश किया जिसका नाम था छोटे और बड़े का सवाल 1938 को फिर और एक ऐसा ही कानपुर में एक मिल वर्कर था जिनका नाम था सुदर्शन चक्र जिन्होंने पोएम लिखा था कई सारे जिसको कंपाइल करके हम बोलते हैं सच्ची कविताएं है। तो यही था प्रिंट एंड द पुअर में पॉइंट्स जो कि तुम लिख सकते हो भर चुके हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक प्रेस एंड द सेंसरशिप अंग्रेजों को देखो एक चीज का डर था कि अगर जो हम गलत चीजें लोगों के साथ कर रहे हैं ना ये जो एक्सप्लॉयटेशन हम इंडियंस के साथ कर रहे हैं इसका अगर पता चल गया ना सबको तो भाई साहब गड़बड़ हो सकता है और इस चीज़ का पता कहाँ से चलेगा बताओ अगर जो न्यूज़पेपर पेपर मैगजीन्स में ये सब चीज़ छप दिया गया लोगों को पता चल गया पढ़ने के बाद तो लोग एकजुट हो जाएंगे और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे राइट अब ऐसी चीज़ें ना हो इसके लिए अंग्रेजों ने यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने प्रेस सेंसरशिप लगा दिया इसका मतलब यह था कि जो भी न्यूज़पेपर है जो भी मैगजीन्स है वो वही चीज़ें छापेगा जो कॉलोनियल गवर्नमेंट उन्हें कहा करेगा कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी उल्टा पुलटा कर छापा तो भाई साहब तुम्हारा प्रेस तुम्हारा जो न्यूज़पेपर उसे बंद कर दिया जाएगा देखो बिफोर 1798 जो कॉलोनियल रूलर था ना ईस्ट इंडिया कंपनी उससे सेंसरशिप वेंसरशिप से कुछ फर्क नहीं पड़ता था भाई इसका नतीजा ये था कि जो इंग्लिशमैंस यानी कि अंग्रेज इंडिया में न्यूज़ चला रहे थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बहुत क्रिटिसाइज किया इतना क्रिटिसाइज किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली राइट right था ना इंडिया पे वो खतरे पे, पे आ गया था एक समय पे आके बट एटीन ट्वेंटीज़ के बाद जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगना शुरू हुआ आ, प्रेस फ्रीडम के ऊपर अब मतलब तुम खुल के कुछ भी बात नहीं कह सकते उल्टा ऐसे न्यूज़पेपर्स को इनकरेज करना शुरू कर दिया जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे आई मीन टू से कॉलोनियल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे उन टाइप के न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया देखो याद तक भी ठीक ही था फ्रीडम था थोड़ा मोड़ा रेस्ट्रिक्शन हुआ करता था बट रिबोल्ट ऑफ 1857 के बाद जितना भी प्रेस फ्रीडम था ना उन सबको खत्म कर दिया गया एक एक्ट एक लाया गया वर्नेकुलर प्रेस एक्ट देखो मैं सिंपली बताता हूँ वर्नेकुलर का मतलब क्या है इंडिजीनियस लैंग्वेजेस को कहते हैं वर्नेकुलर ठीक है सिंपली देखो नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस में जो भी न्यूज पेपर मैगजीन छापते थे ना उनके ऊपर कंट्रोल करना था ईस्ट इंडिया कंपनी को और वो चीज हो पाया इस वर्नेकुलर प्रेस एक्ट से इसमें अंग्रेजों का न्यूज़पेपर को रखा नहीं गया था क्योंकि उस समय अंग्रेज़ पूरी तरीके से अब कॉलोनियल गवर्नमेंट के सपोर्ट पे थे तो जो लोकल लैंग्वेज में चाहे बंगाली उर्दू मराठी तमिल जितने भी लोकल लैंग्वेज है नॉन इंग्लिश लैंग्वेज जिन्हें वर्नैकुलर लैंग्वेज कहते हैं इसमें जो भी न्यूज़पेपर छपता था उनके ऊपर ये एक्ट लागू होगा इस एक्ट को पास करा गया 1878 को जिसके अंडर कॉलोनियल गवर्नमेंट को पूरी तरीके से राइट दे दिया गया कि अगर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलता है तो उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दिया जाएगा गवर्नमेंट ने रेगुलरली ये ट्रैक करना शुरू कर दिया है कि इंडिया के अंदर में जितने भी प्रोविंसेस है कहीं वहाँ कहीं पर कोई न्यूज़पेपर जो अंग्रेजों के खिलाफ तो नहीं बोल रहा है अगर बोल रहा है तो उसे क्या करना है सेंसरशिप कर देना है सीज कर देना है बंद कर देना है लाइक देखो सीन कुछ ऐसा था अगर कॉलोनियल गवर्नमेंट को पता चलता है कि कोई न्यूज़पेपर अपना न्यूज आर्टिकल्स में या फिर अपने एडिटोरियल्स में कुछ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कोई चीज लिख रहा है ना तो पहले उन्हें वार्निंग दिया जाएगा ऐसा मत करो अगर उन्होंने किया तो उनके न्यूज़पेपर को सीज कर दिया जाएगा यानी कि बंद कर दिया जाएगा खैर इन सब चीजों से इंडियन रुकने वाले थोड़ी थे कई इंडियंस नेशनलिस्ट ने अपना न्यूज़पेपर छापा अपने आजादी का लड़ाई के लिए अपने देश के लिए लगे एग्जाम्पल है किताब में बाल गंगाधर तिलक का इन्होंने ना सिंपति दिखाया पंजाबी रेवोल्यूशनरीज के खिलाफ जो पंजाबी रेवोल्यूशनरी थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे फ्रीडम फाइटर की तरह तो उनके खिलाफ़ अच्छी अच्छी बातें लिखी थी नाइनटीन में और एक साल बाद ही नाइनटीन को इस रीज़न के कारण बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया गया तो कहानी कुछ ऐसा था ख़त्म कर लिया हमने ये चैप्टर आई होप तुम लोगों ने इन्जॉय किया था अब मैं बता दूँ मेरे जो मौसी का कहानी था वो भी मेरे घर में ना मेरी टोटल कितनी मौसी है पता है आठ मौसी है लेटरली आठ, अजीब है ना थोड़ा बट कोई नहीं जो मेरी सबसे बड़ी वाली मौसी थी ना उन्हें एज ऑफ थर्टीन शादी दे दिया वो समय जब वो पढ़ना चाहते थे लिटरली वो कहते थे कि एक बार वो स्कूल मतलब उन्हें इतना स्कूल जाना था इतना पढ़ने का शौक था मतलब वो खुद ही चले गए थे स्कूल माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया किसी ने सपोर्ट नहीं किया उन्होंने पैसा खुद कलेक्ट करके स्कूल hmm. में एडमिशन कराया अपना बट उनका जो बड़ा भाई था ना यानी कि मेरा मामा बड़ा मामा उन्होंने उन्हें स्कूल से पीट के लिटरली मुझे आज भी क्या कहूँ यार स्कूल से घसीट के लेके आया और घर में काम करवाया और थर्टीन ईयर्स होते होते उनका शादी दे दिया गया और शादी के बाद भी वो खुश नहीं थी ऐसा फैमिली में शादी हुआ था जहाँ देखो उसका हस्बैंड अच्छा था बट उसका जो फैमिली था ना उन्होंने मतलब टॉर्चर किया बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया एक किस्सा बताया था मेरे मौसी ने मुझे कि कुछ खाने में कुछ नमक या आई गेस कुछ चीज़ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मतलब उसकी सास को इतना गुस्सा आया कि उनकी तालाब में एक दिन तक खड़ा करा दिया गया मेरे मौसी को लिटरली तुम समझ रहे हो बात खाने में कुछ नमक की कमी की वजह से उस बंदी को पूरे एक दिन के लिए तालाब में ऐसे खड़ा करा दिया गया लिटरली तो दैट्स हाउ over the year women are exploited in our society but hopefully things has changed and we are hope for the better world right we are the future and we are the men and women who can change the india and our future right so isi baat pe karte hain is chapter ko khatam i hope ki tum log enjoy kiye hoge और यार तुम लोग सब्सक्राइब जरूर करना देखो मैं कहता नहीं हूँ तो तुम लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते बुरा ही बात सही में बता रहा हूँ बहुत बुरा ये बात लिटरली 29 परसेंट लोगों ने सब्सक्राइब किया है। अब तो मैं हर वीडियो में बोलना शुरू करूंगा क्योंकि बोलूंगा नहीं तो तुम लोग करोगे नहीं जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो क्योंकि देखो मैं तुम लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने कर दो यार तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं। दो अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे बच्चों को गाली सिखानी है बाय